हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे लॉरेंस फोर्स के बारे में। तो लॉरेंस फोर्स देखने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे एंड देन हम लॉरेंस फोर्स को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर किया है एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसको मैंने रख दिया है। ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेशनरी है। कैसे रख दिया है मैंने उसे? स्टेशनरी रख दिया है। तो मैं इसे लिखूंगा यहाँ पर स्टेशनरी। ओके, तो स्टेशनरी रखने के बाद इसके ऊपर एक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, जो फोर्स की वैल्यू रहेगी एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ये फोर्स इस चार्ज के ऊपर लग जाएगा। तो ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कभी भी कैसे लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा, तो आपका पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। एंड वो जो फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है? वो कॉन्स्टेंट फोर्स लगने वाला है। तो आपका जो पार्टिकल है वो क्या करने वाला है? एक्सेलरेट करने वाला है। ओके, जितनी देर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है उतनी देर तक उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। तो आपका पार्टिकल एक्सेलरेट करने वाला है, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ने ही वाली है और बढ़ते जाने ही वाली है। ओके, जितनी देर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ने ही वाली है। ओके, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा रहने वाली है। ओके, ये चीज़ आपको थोड़ा समझ लेना है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दूर तक है तो जितने देर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उतनी देर तक उसकी स्पीड बढ़ने ही वाली है। ये चीज़ आपको थोड़ा समझ लेना है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे अगर पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो अगर हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होने वाला है उसके ऊपर? चार्ज अगर स्टेशनरी है तो भी उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है, एंड अगर पार्टिकल आपका मूव कर रहा है तो भी उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। ओके, एंड अब हमारा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही जा रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस वो फोर्स जो लगा उसके कारण मिलने वाली वेलोसिटी वो एडअप होने वाली है। तो आपका पार्टिकल को जो भी फोर्स लगेगा वो क्यू ई प्लस इनिशियल वेलोसिटी, इतना फोर्स आपके पार्टिकल के ऊपर लग जाएगा। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे कि सपोज अगर हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, तो क्या होने वाला है? वो पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मतलब यहाँ पर कोई तो ऐसा फोर्स है जो इस वेलोसिटी को कम करने वाला है, तो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी, एंड देन धीरे 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 यहाँ से कम हो जाएगी, एंड देन आपका पार्टिकल यहाँ से टर्न होके लगे इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका पार्टिकल यहाँ से ऐसा टर्न होके रिटर्न चला जाएगा। नाउ अगर सपोज हमने ऐसा कंसिडर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एंड पार्टिकल यहाँ से एंटर हो जाता है तो क्या होने वाला है? तो पार्टिकल की वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका पार्टिकल यहाँ से ऐसे टर्न लेके इस तरह चला जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको कि पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह फोर्स लगता है एंड हमारा पार्टिकल किस तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। नाउ अभी हम देखेंगे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह बिहेव करता है। तो फर्स्ट सिचुएशन हम ले लेंगे कि जब हमारा पार्टिकल स्टेशनरी है। ओके, जब हमारा पार्टिकल स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है हमारा एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब अगर आपका पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब इस टाइम पे आपका जो भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं कि हमारे पार्टिकल के पास अब वेलोसिटी है बट वो इस डायरेक्शन में है। ओके, पार्टिकल हमारा मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला अगेन हमारा क्या है? एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, अब मुझे बोलो, चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, बट व्हाट इज दिस साइन थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे बोलो इस टाइम पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जीरो डिग्री बन रहा है। तो साइन जीरो की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? तो थीटा यहाँ पर आपका आ जाता है जीरो डिग्री। तो आपका जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? इस टाइम पे जीरो लग जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेंगे। सो ब्लू कलर ले लेते हैं।
तो अगर हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यहाँ पर हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो मुझे बोलो फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड में? एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, अब थीटा बोलो कितना है, थीटा बोलो कितना है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थीटा हमारा कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो मुझे बोलो फोर्स कितना लगेगा अभी इस टाइम पे भी आपका? तो इस टाइम पे भी आपका फोर्स क्या लगेगा? 0 डिग्री ही लगेगा, 0 डिग्री नहीं, 0 ही लगेगा। ओके सॉरी, तो आपका फोर्स इस टाइम पे भी क्या लगेगा? 0 ही लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, फिर से हम कलर चेंज कर लेंगे एक बार। नाउ अगर हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है 90 डिग्री से या परपेंडिकुलर में एंटर कर रहा है, तो इस टाइम पे आपका एंगल कितना बन रहा है? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बना के एंटर करता है, तो पार्टिकल क्या बनाता है? कभी भी पार्टिकल एक सर्कल बनाता है, एंड सर्कल का रेडियस, उसका टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन कितना रहता है, वो सारी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है, एंड इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ओके, एंड और एक चीज़ मैंने क्या बोली थी, अगर पार्टिकल बाहर से एंटर होता है तो, बाहर से एंटर होता है तो वो अगेन बाहर आ जाता है। ओके, नाउ अब अगर हमारा पार्टिकल कुछ अलग एंगल बना के एंटर हो रहा है, लाइक थीटा कुछ भी हो, कुछ थीटा मतलब 35, 40, 60 ऐसा कुछ भी हो, तो उस टाइम पे आपका जो पार्टिकल है वो क्या बनाएगा? आपका हेलिक्स बनाएगा। ओके, उसका मोशन किस तरह रहेगा? आपका हेलिक्स टाइप उसका मोशन रहेगा। ओके, तो अगर वो हेलिक्स टाइप मोशन बनाता है, अगर इस यहाँ पर कुछ एंगल 30, 45 ऐसा डिग्री बना के एंटर होता है, तो वो हेलिक्स टाइप मोशन बनाएगा, एंड उसका पिच क्या रहता है, टाइम पीरियड क्या रहता है, उसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, वो सब हम वहाँ पर निकाल सकते हैं, एंड उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी देखे। ओके, यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा नोट डाउन करके लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर कंसिडर किया है, अभी हम चार्ज नहीं मूव कर रहे, यहाँ पर हम एक कंडक्टर कंसिडर किया है। ओके, तो अब अगर एक कंडक्टर को, सिंपल कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा क्या? देखो इस, ये कंडक्टर हमने कंसिडर किया है, तो क्या इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? F इक्वल्स टू क्यू इन टू ई, ये फॉर्मूला रहता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मुझे बोलो इस कंडक्टर के ऊपर अभी फिलहाल कितना चार्ज है? अपने एक मेटल का कंडक्टर ले लिया, तो उसमें अगर अपने करंट ने फ्लो करवाया, कुछ नहीं करवाया, तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना रहने वाला है? तो उसके ऊपर चार्ज 0 है, तो इस टाइम पे आपके कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 0 फोर्स लगेगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर 0, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। सो इस कंडक्टर के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लगने वाला। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया है। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेक्स्ट सिचुएशन में इस कंडक्टर में से, इस डायरेक्शन में से करंट फ्लो करवाया। क्या किया हमने? इस कंडक्टर में से, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो करवाया। तो अब मुझे बोलो इसके ऊपर इस टाइम पे फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू इन टू ई। ओके, अब कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, प्रीवियस टाइम करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो हमने बोला था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड देन तो टोटल चार्ज 0 बन जाता है, तो आपका फोर्स भी 0 बन जाएगा, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 बन जाती थी। इट्स ओके, नाउ अब देखो, अब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इस टाइम पे आपका फोर्स कितना लगेगा? तो इस टाइम पे भी आपका फोर्स क्या लगने वाला है? F इक्वल्स टू 0 लगने वाला है। अब 0 कैसे लग सकता है, मतलब बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है कि कंडक्टर में से तो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से चार्जेस आ रहे हैं, तो फोर्स कैसे 0 हो सकता है, मतलब क्यों 0 कैसे लिया? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने तो है, बट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो चेंज हो रही है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कम ज़्यादा हो रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो एक चीज़ याद रखना है कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, आपका कभी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैं यहाँ पर करंट
कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्यू की वैल्यू कभी भी क्या रहती है, जीरो रहती है। तो डाउट आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों क्यू की वैल्यू जीरो रहती है, मतलब टोटल चार्ज उसके ऊपर जीरो क्यों रहता है। तो इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन रहता है कि अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है अंदर, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आ जाता है तब उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर भी चला जाता है। ओके, ये कंसिडरेशन, मतलब ये मैं एक इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए, तो ऐसा नहीं कि एक ही आने वाला है, बट सिंपल कंसेप्ट ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल भी रहे हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए एंड 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, रिमेंस उतना ही रहेगा। ओके, सो दैट आपका इस सिचुएशन में भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कभी भी चार्ज क्या आने वाला है, आपका जीरो आने वाला है। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्या आता है, जीरो आता है। सो आपका इसके इस सिचुएशन में अगर आप एक किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स जीरो रहने वाला है, एंड अगर आपने नॉर्मल कंडक्टर को भी रख दिया तो भी उसके ऊपर फोर्स जीरो लगने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंडक्टर है वो कहीं पर मूव होने वाला है, वो जैसे कि वैसे ही रहने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं, अब व्हाट विल हैपन। अब देखो हमने यहाँ क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली एंड हमने बोला कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में से, और हमने क्या किया, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, F=FB=, फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, QVB sin थीटा। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो हमने क्या बोला, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना आता है, जीरो आता है। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना आता है, तो जीरो आता है। और हमने ये क्यों बोला था, ये हमने इसलिए बोला था क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा भी रहे हैं। ओके, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो प्रोटॉन तो हमारे उतने ही थे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहे थे, सो हमने बोला था चार्ज जीरो है। बट यहाँ पर देखो क्या होता है, ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अगर आपने किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो फोर्स तो वैसे देखे तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हमने जो अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर का चार्ज जीरो रहता है। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर का चार्ज जीरो रहता है, तो फोर्स तो लगना नहीं चाहिए। बट अगर प्रैक्टिकली करके देखा हमने, मतलब एक दो मैग्नेट ले लिए, ओके, एंड दो मतलब एक एन पोल का एस पोल का मैग्नेट ले लिया, उनको थोड़ा सा स्पेस मतलब थोड़ा सा दूर रखा एंड एक कंडक्टर ले लिया एंड जिसमें से करंट फ्लो करवा दिया, तो देन यू विल फाइंड आउट कि आपका जो कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो कहीं कुछ तो डिफ्लेक्शन कर देगा। तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बट हमने तो बोला कि ये तो क्यू जीरो है, तो इसका लॉजिक क्या है। देखो, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो प्रोटॉन के ऊपर नहीं लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स आपके स्टेशनरी हैं। ओके, प्रोटॉन्स आपके स्टेशनरी, वो कहीं पर नहीं जा रहे, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे, तो यहाँ पर आप प्रोटॉन्स को कंसिडर ही नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर सकते हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर कर सकते, प्रोटॉन्स को कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन्स ऑलरेडी आपके स्टेशनरी, उनके ऊपर कुछ फोर्स लगने ही नहीं वाला, आपका फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगता है इस सिचुएशन में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता था क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, तो आपका कुछ मतलब वहाँ पर क्यों आपका वैसे भी जीरो होने वाला था, बट यहाँ पर हम प्रोटॉन्स के चार्जेस को कंसिडर ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेशनरी है, हमारे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करना है तो क्या आपका चार्ज जीरो हो सकता है क्या, नहीं, तो हमारा चार्ज उस टाइम पे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने प्रोटॉन्स को कंसिडर नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही चार्ज कंसिडर करना है। तो इस टाइम पे आपका जो फोर्स लगता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगता है। ओके, तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके पास वेलोसिटी भी है, तो वो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड आपका थीटा एंगल भी है, तो वो थीटा एंगल से अच्छे से फ्लो हो रहे, तो आपका ऊपर जो फोर्स लगेगा इस सिचुएशन में वो QVB sin थीटा। अब QVB sin थीटा नहीं लगेगा, बट यहाँ पर मैंने आपको बोला कि Q की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं रहती। ओके, ये सिंगल चार्ज के लिए फॉर्मूला है,
मतलब एक सिंगल चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो, अगर मल्टीपल चार्जेस फ्लो हो रहे, करंट फ्लो हो रहा है, तब क्या रहेगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस टाइम पे क्या फोर्स लेगा किसी कंडक्टर को, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है एंड उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या फोर्स लेगा वो हम देखेंगे। ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा एक सिंगल चार्ज के लिए बनाया गया फॉर्मूला है, यहाँ पर एक चार्ज में फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है, मैंने आपको समझाने के लिए बस इसको लिख के दिया था। ये बात आपको समझ में आ गई लगा तो मैं इसे यहाँ पर इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो फोर्स क्यों लगता है, करंट कैरिंग कंडक्टर का चार्ज तो जीरो रहता है, बट फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाला है। पॉजिटिव चार्जेस ऐसे भी आपके स्टेशनरी है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कंसिडर करना है, तो यहाँ पर क्यू जीरो नहीं आ सकता। ओके, यहाँ तक ठीक है बात। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं हम। ओके, फिर से हमने अब काउंटर आर्गुमेंट देखो क्या क्या रहे थे। अब हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर की एंड सिर्फ किसी कंडक्टर को, ये मेटल कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो अब मुझे बोलो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, क्योंकि एक मेटल कंडक्टर है। ओके, मेटल कंडक्टर है एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा रहता है क्यू वी बी साइन थीटा, सिंगल चार्ज के लिए हम बोल रहे थे, तो एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो आपने बोला क्या है कि ठीक है, अगर मेटल एक कंडक्टर है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नहीं लगेगा फोर्स, हाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो हमने एक कंडक्टर कंसिडर कर लिया। ओके, एक कंडक्टर हमने कंसिडर कर लिया एंड इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो एक अगर हमने कंडक्टर कंसिडर कर लिया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते, होते एंड वो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे या नहीं कर रहे, मुझे बताओ। एक सिंपल मेटल कंडक्टर लिया, ठीक है उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बट सिंपल मेटल कंडक्टर के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एंड वो इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी रहते हैं क्या, नहीं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते। ओके, हमें पता है कि यहाँ पर हमने एक अगर सपोज कंडक्टर कंसिडर कर लिया मेटल का, तो इसके अंदर इसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू जीरो है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसका टोटल चार्ज कितना है, जीरो है। करंट फ्लो होने के बाद भी उसके ऊपर चार्ज कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। ओके, तो इस मेटल कंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका चार्ज कितना है, जीरो है। बट क्या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी है क्या, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी है या घूम रहे हैं? ऑब्वियस इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ओके, एंड वो घूम क्यों रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन मतलब क्या, आपके रूम टेम्परेचर में कुछ हीट है, वो हीट के कारण उनको एनर्जी मिल रही है एंड वो घूम रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक हमें पता है। तो इसका मतलब अगर हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, लाइक दैट मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, इस टाइप का कंडक्टर को आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है एंड वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यस, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इसके ऊपर आप फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब ये कंडक्टर आपका कहीं पर डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग प्रीवियस टाइम हमने जो आर्गुमेंट किया था कि हाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, तो वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इनके पीछे एंगल भी बन रहा है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगना चाहिए। मतलब हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में एक दो पोल ले लिए, लाइक यहाँ पर आप घर पे भी करके देख सकते हो, बस एसी वाला करंट मत भेजना, नहीं तो मेरे घर पे आ जाओगे आप झगड़ा करने के लिए। ओके, हमने क्या किया, दो मैग्नेट ले लिए, एन एंड एस पोल वाले। ओके, एंड इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी एंड आपने इस कंडक्टर को यहाँ पर ऐसे रख दिया। अगर आपको इसमें से करंट फ्लो करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बैटरी लगाओगे, आपकी सेल वाली बैटरी, इस तरह आपने इसे बैटरी लगा दी। यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूँ मैं, देन यू विल फाइंड आउट कि इसके ऊपर फोर्स लगता है एंड ये वायर आपका ऊपर नीचे चला जाएगा। ओके, ये सिंपल सिचुएशन है, ये आपको समझ में आ गया। नाउ अभी हमने क्या किया, नेक्स्ट मैं देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कभी कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा किसको नहीं आएगा। अभी हमने क्या किया कि सिंपल कंडक्टर को ऐसे रख दिया। तो सिंपल कंडक्टर को मैंने ऐसे रख दिया तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, तो अकॉर्डिंग इक्वेशन तो क्यू है, हाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी भी है, बी मैग्नेटिक फील्ड भी बन गई, थीटा एंगल भी बन गया, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, तो लगना चाहिए। बट हाँ, ऐसा करके देखा, देन यू विल रियलाइज
कि इस सिचुएशन में आपका फोर्स जो है, इस सिचुएशन में आपका जो फोर्स है वो क्या रहने वाला है, इस सिचुएशन में आपका जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगने वाला है, आपका फोर्स जीरो लगने वाला है। एफ जो है वो क्या रहने वाला है इस सिचुएशन में, जीरो लगने वाला है। कौन बता सकता है इसका आंसर कि फोर्स जीरो क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने जो आर्गुमेंट किया था उस हिसाब से हमने करके देखा तो वो हो नहीं रहा, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कौन बता सकता है इसका आंसर। वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया, चलो ठीक है मैं अब आंसर देता हूँ। तो इस सिचुएशन में हाँ क्यू है, बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सिर्फ फोर्स लगने वाला है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कंसिडर करेंगे तो सिर्फ चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कंसिडर हो रहा है। वेलोसिटी, यहाँ पर मेन कंसेप्ट है वेलोसिटी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, वो कैसे मूव हो रहे हैं, रैंडम शेप में मूव हो रहे हैं, तो वो वेलोसिटी बना पा रहे हैं क्या? रैंडम शेप में अगर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हम वेलोसिटी क्या लिखते हैं उस टाइम पे, हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। जब करंट फ्लो होता है तब सबकी डायरेक्शन एक हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा है ये कंसेप्ट। तो जब हमारा करंट फ्लो होता है तब सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक तरह हो जाती है, तो हम उसको वेलोसिटी बोल सकते हैं। बट अगर कोई ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम पे किस तरह मूव कर रहे हैं, रैंडम शेप में मूव कर रहे हैं, तो रैंडम शेप के कारण वेलोसिटी बन सकती है क्या? नहीं। तो यस, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी है और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे हैं, पर तब भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम शेप, सो दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट वेलोसिटी। ओके, सो दैट्स वाई आपका इस सिचुएशन में फोर्स जीरो रहने वाला है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है ये सिचुएशन, आप इसे थोड़ा सा अपने नोटबुक में लिख लो, एंड जो जो चीज़ें मैंने आपको अभी बोली है वो भी आपको लिख लेना है। ओके, जो चीज़ें मैंने आपको बोली वो भी आपको लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लॉरेंट्स फोर्स। अब देखो, अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एंड उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, एफ ई इक्वल्स टू क्यू इन टू ई रहती है। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है एफ बी इक्वल्स टू उसकी वैल्यू रहती है क्यू वी बी, इतनी रहती है। तो यहाँ पर अगर हम वेक्टर में ले लेंगे तो ई वेक्टर, एंड यहाँ पर वी क्रॉस बी लिखना पड़ेगा हमें, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। पी क्रॉस बी। ओके, तो अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर ये दोनों फोर्स लगेंगे। ओके, तो मतलब मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी है तो भी फोर्स लगने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लगेगा। ओके, तो आपका ओवरऑल फोर्स क्या आ जाएगा, तो एफ रिजल्टेंट, तो एफ रिजल्टेंट आपका आ जाएगा क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी। ओके, अब यहां से अगर हमने क्यू को कॉमन ले लिया तो एफ इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा क्यू एन ब्रैकेट ई प्लस बी क्रॉस बी। ओके, तो ये आपका लॉरेंट्स फोर्स का इक्वेशन बन जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपके लेक्चर अच्छा लगता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। हमने जितना अच्छी तरह से समझा सकते थे समझा दिया है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नोट डाउन करके लिखना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।